अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके? कैसे हैं आप लोग? सब लोग उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत खैरियत से होंगे, खुश और खुर्रम होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। तो आज हमने डिसाइड किया कि आज हम कढ़ी बनाएंगे। एक्चुअली मौसम बहुत अच्छा है, आजकल वेदर बहुत अच्छा है और इसमें दिल चाहता है कढ़ी बनाने का, खाने का। बड़ी अच्छी लगती है, चटपटी सी। तो हम आपको टाइम ज़ाया किए बिना रेसिपीज़ की तरफ लेके चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए, देखिए सबसे पहले हम बताते हैं आपको। हमने 1 किलो दही लिए, 3 टेबल स्पून बेसन लेंगे हम, ये वाले स्पून लेंगे हम 3 टेबल स्पून। इसके अंदर जो मसाले होंगे, रेड चिली पाउडर, इसके अंदर ये हल्दी है, नमक है और ये अदरक लहसुन पेस्ट है। अच्छा, भकार के लिए हमें चाहिए गोल साबुत मिर्च, जीरा, हरी मिर्च और ये कड़ी पत्ता। ये भगार का सामान है हमारा। अच्छा, और अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कड़ी में 3 चम्मच बेसन ऐड करने होंगे, एक ये दो भर के डालेंगे। अगर कम लगेगा तो बाकी बाद में फिर हम एक ऐड कर लेंगे इसके अंदर। और पहले हम इसे मिक्स करते हैं, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे इसे। हम इतना मिक्स करना है इसे कि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहे। अगर लम्स रहेंगे तो कड़ी का जो हमारा मेन मकसद होगा वो ख़राब हो जाएगा, सारी हमारी कड़ी ख़राब हो जाएगी। तो हमें जो है सारे लम्स को पूरा अच्छी तरह से इसको बेट करना है हमें, लेकिन हम हाथ से ही इसे करेंगे इस तरह से। क्रीमी लुक आना चाहिए बिल्कुल, इसमें कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। इसमें कड़ी में हमें अच्छे तरीके से हमें इसे बेक करना है, इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। देखिए इसमें बिल्कुल क्रीमी लुक आ गया है और मुझे इसमें कोई भी लम्स नज़र नहीं आ रहे। आपने भी इसी तरह इसे बेक करना है, अच्छी तरीके से इसमें कोई लम्स ना रहे। अच्छा, अब इसके अब हम सेकेंड पोर्शन की तरफ चलते हैं। ये हमने एक बड़ा पतीली ली है, उसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल तकरीबन हम 3 स्पून या 2 स्पून, अभी 2 स्पून डालेंगे हम, दैट्स वाई इसमें भगार भी होता है। ठीक है, मीडियम फ्लेम करेंगे, ऑयल को हॉट होने दीजिए 2 मिनट। ऑयल हॉट होगा, सबसे पहले हम अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे। डाल देंगे 2 मिनट, इसे हम इसकी स्मेल दूर होने तक इसे हम दोबारा सब भूनेंगे और इसके बाद इसमें मसाले जाएंगे। हल्दी पाउडर जो हमने लिया था, लाल मिर्च पाउडर, अच्छा मिक्सअप करना है इसे हमें अच्छी तरह। एटलीस्ट इसे हमें 2 टाइम्स तो इसे हमने भूनना ही है जब तक हल्दी की स्मेल ना चली जाए। इसमें हल्दी का काम होता है, हल्दी डलती है इसके अंदर, हल्दी की स्मेल को हमें दूर करना होता है, 1 से 2 बार इसे हमें भूनना होता है। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे हम इसके अंदर, भूनने में ज़्यादा ईजी हो जाए।
उसको बाद में ऐड करेंगे। फ्लेवर के तहत जितना हमें फ्लेवर हमें चाहिए होगा नमक का। कुछ लोग नमक कम खाते हैं, कुछ तेज़ खाते हैं, कुछ कड़ी में चटपटा खाते हैं, तो अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक ऐड कीजिए। अच्छा, अब हम आते हैं अपने दही के बैटर की तरफ आते हैं। इसमें पानी ऐड करेंगे हम, और दोबारा से इसे हम एक बार और हम इसको चलाएंगे ताकि थोड़ा लाइट हो जाए और थोड़ा वाटरी हो जाए, जैसे लस्सी बनाते हैं, जैसे लस्सी बनाते हैं उस तरह से इसका हम टेक्सचर रखेंगे। इसको ज़्यादा हम गाढ़ा नहीं करेंगे। गाढ़ा होने से जब ये पतीली में जाएगा, मसालों में जाएगा, तो हो सकता है कि लम्स बना देंगे। तो हमें कोशिश करनी है कि हम इसे गाढ़ा ना करें ज़्यादा। तो हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के करेंगे, वेट करते हैं पानी डाल के थोड़ा थोड़ा। हमारा अच्छी तरह फिट गया, हम इसे पानी डाल के। ये वो तरीका कार है जो मेरी वालदा, मेरी नानी वगैरह बनाया करती थी, और मेरी फैमिली में सब लोग इसे बहुत पसंद करते हैं कड़ी को। और ये बनाना इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, इसका प्रोसेस थोड़ा लेंदी है, लेकिन बनाना मुश्किल नहीं है। प्रोसेस लेंदी है इसका डेफिनेटली, लेकिन मुश्किल नहीं है। इसके प्रोसेस बहुत सारे होते हैं, तो भूनना कड़ी को, मसालों को भूनना, भगार करना, पकौड़े बनाना। कुछ लोग गोश्त की कड़ी खाते हैं, और कुछ लोग कोफ्ता कड़ी, चना कड़ी बनाते हैं। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, उसके तहत बनाते हैं। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मसाले का हमारी क्या कंडीशन है। मसाला हमारा भुन रहा है, देखिए तेल ऊपर आ रहा है। इसे हमें 2 टाइम भूनना है, मैंने आपको बताया है। 2 टाइम भूनेंगे बिकॉज इसमें हल्दी की जो स्मेल होती है, हमें वो हर हाल में दूर करनी है। 2 मरतबा, 1 मरतबा भूनना पड़े आपने इसे भूनना है, ठीक है। अच्छा, देखें हमारा मसाला अच्छी तरह से भून गया है। हमने 2 से 3 बार इसे भून लिया मसाले को। अब हम इसमें चम्मच चला के देखेंगे, इसमें स्मेल बिल्कुल नहीं आ रही है हल्दी की। हमने 2 से 3 बार इसे अच्छी तरह भून लिया है। आप भी इसी तरह भूनिएगा इस मसाले को अच्छी तरीके से, कि इसमें स्मेल ना आए, क्योंकि मेन जो इसमें इंग्रेडिएंट होता है हल्दी होता है, और हल्दी की स्मेल होती है। मसाला अच्छी तरह भून गया। अब हम इसके अंदर जो कड़ी का बैटर बनाया था, ये हमने एक बार इसे और अच्छी तरह फेंट लिया है, झाग बना लिए थे। अब हम इसे कड़ी में ऐड करेंगे। पानी भी डाला है ताकि इसमें लम्स ना बने, फुटकियाँ ना बने इसके अंदर। अब हम ये कड़ी का जो हमने बैटर बनाया था, दही और बेसन डाल के, अब हम भूख पकी थोड़ा अच्छे तरीके से। देंगे हमारा मसाला अच्छी तरीके से भून चुका था, देख लीजिए आप, कलर लाइट हो रहा है इसका। पकेगा भी ये, पकने के बाद ये अपना कलर डार्क करेगा। अच्छा, इसके जब ये अभी थोड़ी देर बाद ये फूलेगी, 5 मिनट बाद ये फूलेगी। हमने फुल फ्लेम की हुई है इसकी, फिलहाल अभी फुल फ्लेम की हुई, ये फूलेगा। जैसे ही फूलेगा फिर ये फटेगा, उसके बाद ये गाढ़ा होना शुरू होगा। कड़ी जैसे बनती है, गाढ़ी होती है, जैसे गाढ़ी होना शुरू होगी। अभी इसका टेक्सचर ये है, देख लीजिए आप। तरफ से आ गए, हमने कड़ी को चूल्हे पर चढ़ा दिया है फुल फ्लेम पे भी फिलहाल। थोड़ी देर बाद जब ये बॉईल होना शुरू होगी कड़ी, तो हम इसकी फ्लेम स्लो करेंगे। और अभी हमने देखिए हमने क्या लिया है पकौड़ों के लिए। हमने एक चॉप छोटी प्याज, 2 छोटे साइज़ की प्याज ली थी चॉप करके। इसके अंदर हमने धनिया लिया है, हरी मिर्च ली है, हमने मसाले में हमने लिए हैं नमक, सफ़ेद ज़ीरा, शाही ज़ीरा जो कहलाता है, और कुटी हुई मिर्च ली हमने। ये हमारा बेसन है, इसमें सब चीज़ें हम डालेंगे। बिल्कुल जिस तरह से पकौड़ों का बेसन फेंटते हैं हम, उसी तरह से हम इस बेसन को भी फेंटेंगे। बिल्कुल उसी तरह से फेंटेंगे, उसी तरह से बनाएंगे। कुछ लोग इसमें बेकिंग पाउडर, सोडा भी डालते हैं,
आप डालना चाहें तो सोडा आप लोग डालते हैं, ऐड करते हैं तो डालिए, लेकिन मैं नहीं डालती। मैं इसे फेंट कर बना कर इसके बैटर को आधे घंटे के लिए, देखिए हमने कढ़ी में डाल दिया था दही और बेसन जो हमने बैटर बनाया था। तो देखिए इसकी शक्ल इस तरह से हो गई है पक पक कर, और देखिए इसका ये देखिए इसके गाढ़ापन देख लीजिए किस तरह से हो रहा है, ये गाढ़ी कितनी हो गई है। अभी ये और पकेगी आधे घंटे, उसके बाद ही थोड़ी और गाढ़ी होगी, उसका टेस्ट भी बढ़ता रहेगा। और यहाँ हम अपने चावल उबाल रहे हैं, पता है आपको कि हमारे यहाँ कढ़ी चावलों के साथ ही पसंद की जाती है, चावलों के साथ ही अच्छी लगती है कढ़ी। तो आप लोग मेरी वीडियो पूरी देखें एंड तक, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, आप सब पार्ट देखिए ताकि आपको पता लगे कि किस तरह बनती है कढ़ी। कोई भी कढ़ी आप लोग को पसंद आएगी, बहुत कढ़ी, बहुत तारीफ़ें पाएंगे आप लोग कढ़ी बनाकर। ज़रूर देख बनाइए कढ़ी, मेरी पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज़ शेयर कीजिए। हमने तेल रख दिया गरम के लिए, पकौड़े बनाने के लिए गरम होने पर फुल स्टीम, हमने इसको हमने हाई फ्लेम की दी है, इसको हाई फ्लेम पर रखना है जब तक ऑयल आपका हॉट नहीं हो जाता अच्छी तरीके से, ठीक है। और ये देखिए हमारी कढ़ी बिल्कुल एंड मोमेंट पर है, ये इसकी कंडेंसिटी है, ये देखिए आपको नज़र आ रही होगी। कोई स्टेप मिस मत कीजिएगा, जो कढ़ी के स्टेप्स होते हैं कोई भी स्टेप मत कीजिएगा मिस, सब देखिएगा, फुल देखिएगा, एंड तक देखिएगा। अब देखिए इस टाइम पर, इस मोमेंट पे हम कढ़ी में नमक ऐड करेंगे। हमने 1 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून इसमें हमने नमक ऐड किया है, आप लोग अपने जायके के मुताबिक डालिए, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स हमारा ऑयल हॉट हो गया है, अब इसमें हम पकौड़े डालेंगे जिसमें हमने सारे इंग्रेडिएंट्स डाले थे, मिर्चे, प्याज, धनिया और कुटी हुई मिर्च, थोड़ा सा इसमें हमने जीरा डाला था, नमक डाला था हसबे जायका। अब हम उसके पकौड़े बनाएंगे, हमारा ऑयल हॉट हो गया है, देखिए मीडियम साइज के डालिएगा, ना बहुत बड़े ना बहुत छोटे। और अपनी आप फ्लेम देख लीजिएगा कितनी फ्लेम रखनी है आपको, मैंने अपनी फ्लेम को अब मैं मीडियम कर रही हूँ क्योंकि हॉट हो गया ऑयल हमारा और कढ़ी भी हमारी पक रही है, लास्ट मूवमेंट में हमारी कढ़ी, इसमें हमने नमक भी डाल दिया था। बस अब हम पकौड़े बना रहे हैं, पकौड़े बन जाएंगे तो हम आपको उसका फाइनल व्यू दिखाएंगे। भगार के इंग्रीडियंट्स सारे हमारे गो साबुत मिर्च, धनिया है, शाह जीरा है और ये हरी मिर्च है और ये कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ते का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो अब हम आपको इसमें डिश आउट करके दिखाएंगे। देखिए गाइस हमारी कड़ी बिल्कुल रेडी है, हमने डिश आउट कर लिए और उसके बाद हमने पकौड़े थोड़े से रखे हैं, मुझे अच्छे लगते हैं इसके साथ पकौड़े खाना, तो मैंने पकौड़े रखे हैं इसके साथ थोड़े से खाने के लिए, क्योंकि मैं कच्चे पकौड़े खाती हूँ, कड़ी में डूबे हुए मुझे अच्छे लगते। बॉइल हमने राइस की है, मुझे अच्छे लगते हैं बॉइल्ड राइस कड़ी के साथ। और ये कड़ी है ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में, ज़रूर खाइएगा, बनाइएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपने बनाई कड़ी कैसी लगी सबको। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।